ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर मोशन। वन बाय वन वी विल रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। My sound is clear. My sound is audible to all. Thank you, Suryans, Pallavi, Sakshi, Aditya. And whiteboard is appear. Whiteboard is appear. ठीक है, दीपशिखा, रितेश राज, thank you, very good. Okay. So now we will start the chapter motion and we will discuss all the terms of motion, in which first we will define the terms rest. तुम लोग भी चैट में लिख करके भेज सकते हो अपना आंसर। रेस्ट, फर्स्ट टर्म इज रेस्ट इन दिस चैप्टर। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its immediate surroundings, then object is said to be at rest. For example, we see that this whiteboard is at rest. Here, surroundings, observer, we are the observer. You are also observer. We are observer and this is the object, and we can say that the whiteboard does not change its position with respect to us, so this is at rest. Tree, building, wall, gate, various things present in our surroundings which does not change its position, then it is said to be at rest. अगर वो अपना पोजिशन चेंज नहीं करता है तो हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अपने सराउंडिंग्स में जितना भी चीज देखते हैं वो सभी को हम लोग जो पोजिशन चेंज नहीं करता है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। These are example of rest. तो यहाँ पर comparison हो रहा है, object जिसको observe कर रहे हैं, दूसरा observer, object और observer में comparison है कि object में changes हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बगल वाले रूम में कोई object है तो उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग उसको observe नहीं करते, तो direct जिसको observe करते हैं, तो यहाँ पर comparison होता है observe, observer में और object। इस ऑब्जर्वर को इमीडिएट सराउंडिंग्स बोलते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज मोशन। नेक्स्ट टर्म इज मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its immediate surroundings, जब object immediate surroundings के respect में अपना position change करता है, then object is said to be in motion. You may see various example around you. Okay, Deepshika, various object changes its position with respect to its immediate surroundings.
रनिंग व्हीकल, रनिंग व्हीकल, मूविंग पर्सन आर एग्जाम्पल ऑफ मोशन. हियर द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके पीयूष, रिवॉल्यूशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, देयर आर वेरियस नेचुरल फेनोमेना. तो जो पर्सन, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. इमीडिएट सराउंडिंग्स, इमीडिएट सराउंडिंग्स जो है, जो कि उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर. अगर हम देख रहे हैं कि पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो हमारे रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वर होता है, बस इज मूविंग. हम लोग बस के बाहर से देख सकते हैं कि बस इज मूविंग, लेकिन बस के अंदर में जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो सभी एक दूसरे के लिए रेस्ट है. लेकिन जो पर्सन बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है वो देख रहा है कि बस मोशन में है, एक जगह से दूसरे जगह बस जा रहा है, तो उसमें बैठा हुआ लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है. लेकिन इनसाइड द बस पैसेंजर्स आर एट रेस्ट फॉर ईच अदर. पर्सन जो है एक दूसरे के लिए रेस्ट में. मूविंग ट्रेन, हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस ट्रेन जा रहा है. तो जो ऑब्जर्वर है बाहर से, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो देख रहा है ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर में जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके लिए वो सभी एक दूसरे के लिए रेस्ट में. ट्रेन का कंपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए सभी रेस्ट में एक दूसरे के. अगर विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा तो अंदर पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन मोशन में है कि रेस्ट में. पैसेंजर वो सभी रेस्ट में. यहां पर हम ये क्लियरिफाई करना चाहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में है और किसी के लिए मोशन. तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग पोजीशन है, किसी के लिए रेस्ट में है, किसी के लिए मोशन में. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है. अगर मेरे लिए वो मोशन में है तो हो सकता है दूसरे के लिए रेस्ट में भी हो सकता है. इस बेसिस पर हम लोग कहते हैं इन दिस यूनिवर्स No one is at absolute rest. Absolute rest में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट तुम किसको कहोगे? अगर ये व्हाइट बोर्ड को तुम एब्सोल्यूट रेस्ट कहोगे तो अर्थ तो मोशन करता है, रोटेशन करता है, रिवॉल्यूशन करता है. जैसे बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर बाहर से जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए मोशन में, पोजीशन चेंज हो रहा है उसका, बस के साथ साथ पर्सन भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहा है, उसी प्रकार से अर्थ भी मोशन करता है. तो हम लोग अपने सराउंडिंग्स में जो चीज को रेस्ट में देख रहे हैं, बिल्डिंग को रेस्ट में देख रहे हैं, ट्री को रेस्ट में देख रहे हैं, खेत को रेस्ट में देख रहे हैं, सब चीज को रेस्ट में देख रहे हैं, तो पूरा अर्थ ही मोशन करता है, रोटेशन भी करता है, रिवॉल्यूशन भी करता है. तब तो पूरा अर्थ के साथ साथ सभी चीज का पोजीशन बदलता है. लेकिन हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए हम लोग कहते हैं रेस्ट में, हमारे लिए रेस्ट में. अगर हम लोग दूसरे प्लैनेट से जाकर के अर्थ का ऑब्जर्व करें, अर्थ का मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, तो अर्थ रिवॉल्यूशन करता है, रोटेशन करता है, तो अर्थ के साथ साथ सारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है. तो अगर हम दूसरे प्लैनेट से जा करके
ये चीज ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि अर्थ के साथ साथ सभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जिसको हम लोग रेस्ट में कह रहे हैं वो मोशन में है। तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। इस यूनिवर्स में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब जिसको कह सकते हैं यस बिल्कुल रेस्ट में, नो ऐसा नहीं है। किसी के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसी के लिए रेस्ट में, किसी के लिए रेस्ट में जो है वो किसी के लिए मोशन में। अब एग्जांपल ही बताएं, ट्रेन का कंपार्टमेंट के अंदर में अगर विंडो वगैरह क्लोज है तो तुम अंदर में बैठे हो तीन चार लोग, कुछ गेम खेल रहे हो, कुछ खा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है ट्रेन रुकी है या चल रही, लेकिन तुम्हारा पोजीशन बदल रहा है। आउटसाइड ट्रेन जो पर्सन तुमको ऑब्जर्व कर रहा है वो देख रहा है ये ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसके साथ साथ तुम्हारा भी पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर में तुम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, लेकिन ट्रेन से बाहर जो व्यक्ति है उसके रेस्पेक्ट में तुम मोशन में। सिमिलर फिनोमेनन एरोप्लेन में भी होता है, अंदर में बैठा व्यक्ति एक दूसरे के लिए रेस्ट में, लेकिन बाहर से जो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है उसके लिए मोशन में। बस का एग्जांपल, ट्रेन का एग्जांपल, एरोप्लेन का एग्जांपल, ये सभी एग्जांपल ये दिखलाता है कि सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर एंड सेम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर। एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और वही सिमिलर ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो सकता है। Hence we say that motion is relative. Motion क्या होता है? Relative. Relative का मतलब यहाँ पर comparative होता है, comparison जिसके साथ होता है। तो यानी कि motion क्या है? Comparison होता है। किसी के लिए rest में है, किसी के लिए motion में है, तो वो depend करता है observer पर, depend करता है frame of reference पर, कि हम देख रहे हैं हमारे लिए अगर हम इस रूम में फैन चला दें तो हमारे लिए मोशन में है, लेकिन दूसरे रूम में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं देख रहा है इसलिए वो नहीं कह सकता है कि फैन मोशन में है कि रेस्ट में है। तो इट डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स, और हम लोग इमीडिएट सराउंडिंग में ऑब्जर्वर जो होगा वो इमीडिएट सराउंडिंग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि मोशन रिलेटिव है, मोशन रिलेटिव है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और हम देना चाहते हैं तुम लोग। ये दो एरो दिए हैं तो दो ट्रेन को शो कर रहा है, ये ट्रेन ए है ये ट्रेन बी है, ये 4040 का स्पीड से चल रहा है, ये 5050 का स्पीड से चल रहा है, दो पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है ट्रेन। दो पैरेलल ट्रैक पर जब ट्रेन चलती है तो एक दूसरे के लिए तुम दूसरा ट्रेन को देखोगे या दूसरा ट्रेन पर जो पैसेंजर बैठा है वो तुम्हारे ट्रेन को देखेगा तो उसके लिए मोशन कितना होगा? रिलेटिव मोशन दोनों का डिफरेंस के बराबर, ये 50 किलोमीटर है ये 40 किलोमीटर है, 50 माइनस 40 हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर लगेगा, एक व्यक्ति को जो इस ट्रेन पर बैठा हुआ है उसको लगेगा कि ये ट्रेन 10 किलोमीटर का स्पीड से चल, और इस ट्रेन पर जो बैठा है उसको लगेगा कि ये ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। कंपैरिजन हो रहा है, रिलेटिव मोशन जो है यहाँ पर दोनों का डिफरेंस के बराबर हो रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रहा है, पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है, तो दोनों के लिए रिलेटिव मोशन निकलता है दोनों के डिफरेंस के बराबर। सपोज करो कि अगर ये है 50 का स्पीड से चल रहा है और ये भी 50 का ही स्पीड से चल रहा है, दोनों अगर 50 का स्पीड से चल रहा है तब क्या फील होगा दोनों को बताओ? दोनों ट्रेन बराबर स्पीड से चल रहा है
और एक ही ट्रैक पर चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ओके दीपशिखा, साक्षी, दोनों को लगेगा, सूर्यांश, विनायक, साहिल, लगेगा कि रेस्ट में, लगेगा कि दोनों स्पीड जो है बोथ आर एट रेस्ट। ओके पल्लवी, 50-50 जीरो, लगेगा कि दोनों ट्रेन रुका हुआ है जबकि दोनों 50 का स्पीड से चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन में कंपैरिजन जब होता है, सिमिलर डायरेक्शन में चल रहा है, सेम पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस के बराबर में रिलेटिव मोशन होता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, इसी ट्रेन को अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में कर दे, ये ट्रेन 40 का स्पीड से इधर जा रहा है, ये ट्रेन 50 का स्पीड से इधर जा रहा है, तब रिलेटिव मोशन होगा दोनों का सम के बराबर। अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल ट्रैक पर, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा 50+40 90 किलोमीटर का स्पीड से लगेगा, एक ट्रेन को लगेगा कि दूसरा ट्रेन 90 का स्पीड से चल रहा है। और यस रोहित सिंह, और दूसरे ट्रेन का पैसेंजर को लगेगा कि पहला ट्रेन 50+40 90 का स्पीड से चल रहा है। ये होता है रिलेटिव मोशन। कई बार हम लोग रेलवे स्टेशन पर कंफ्यूज कर जाते हैं, जब पैरेलल ट्रैक पर, हमारे पैरेलल ट्रैक पर भी एक ट्रेन रुकी हुई है, हमारी ट्रेन भी रुकी हुई है, उनमें से एक ट्रेन चलना शुरू कर देता है सामने वाला, और हम लोग उस ट्रेन को देखते हैं तो लगता है कि हमारा ट्रेन ही चल रहा है, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि हमारा ट्रेन ही चल रहा है। क्यों हो रहा है? वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी एक का जीरो, उसका अगर 10 है तो 10 का स्पीड से लग रहा है वो चल रहा है। लेकिन अगर तुम दूसरे तरफ में देखो, ट्रेन चल रही है उसके तरफ नहीं देख करके स्टेशन के तरफ में देखो, तब तुमको लगेगा कि तुम्हारी ट्रेन रुकी हुई है, तुम्हारी ट्रेन रेस्ट में। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन के कारण हम लोग को लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो रेस्ट में वो मोशन में लग रहा है, जो मोशन में है वो रेस्ट में लग रहा है। ट्रेन या बस से सफर करते हैं तो दूर देखते हैं, पेड़ पौधा लगता है साथ साथ में, वो भी चल रहा है। खास करके बचपन में ऐसा बहुत दिखता है, लगता है बस के साथ साथ पेड़ पौधे भी चल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो इस चीज को समझ जाते हैं, इसलिए इस पर हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं वो रेस्ट में है। लेकिन अदरवाइज लगता है कि ट्रेन चल रही है तो साथ साथ में पेड़ पौधे सभी कुछ चल रहे हैं रास्ते। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ये सभी रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल है, ये सब रिलेटिव मोशन के कारण, ठीक है? तो मोशन इज रिलेटिव, ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। एग्जाम्पल, पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस आर एट रेस्ट फॉर इच अदर, बट पर्सन ऑब्जर्विंग फ्रॉम आउटसाइड द बस, फॉर आउटसाइडर द बस इज इन मोशन। तो इस तरह से हम लोग दिखलाते हैं कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसमें स्केलर एंड वेक्टर। वन बाय वन सभी टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे वो सभी को स्केलर और वेक्टर में
हमें डिवाइड करना होगा कि वो टर्म स्केलर है या वेक्टर है। साहिल कुमार का आंसर आया है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। गुड साहिल कुमार, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी, जिसको कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि घड़ी का टाइम, टाइम हम लोग देख रहे हैं, टाइम मास लेंथ। अभी सपोज कर लेते हैं कि टाइम हुआ है 11:15, ओके पीयूष, तो 11:15 AM, इसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्केलर है। मास, हम लोग बोलते हैं 2 kg पोटैटो, 2 kg कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई मटेरियल लेते हैं 2 kg, तो 2 kg में उसमें डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, डायरेक्शन का उसमें कोई नीड नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, लेंथ मेजर करते हैं, 10 meter है लेंथ, ये लेंथ मेजर करते हैं, मान लो कि 2 meter है ना, तो ये क्या है, मीटर है, इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। ब्रेथ इसका 2 है, 2 meter है, तो उसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। ऑन द अनदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें कि डायरेक्शन भी हो और मास भी, मैग्नीट्यूड भी हो। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसको कि डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी। एग्जाम्पल के लिए ओके, साहिल का भी आंसर आ रहा है, फोर्स। फोर्स जब हम लोग लगाते हैं कोई ऑब्जेक्ट पर, तो उसका अमाउंट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, कि 10 newton लगा रहे हैं, कि 20 newton लगा रहे हैं, अमाउंट हो गया, जितना न्यूटन फोर्स लगाए, ओके पल्लवी, जितना अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, ओके साहिल, फोर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, जितना भी क्वांटिटी उसका लग रहा है वो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन फोर्स कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, फोर्स कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो वो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। वर्क डन मींस एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इस प्रकार से लेंथ को देखते हैं, लेंथ जो स्केलर है, लेकिन दूसरे तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points। हम लोग इस चैप्टर में जो जो टर्म्स पढ़ेंगे, अब उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगला टर्म्स हम लोग लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहलाता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम लोग अपने घर से स्कूल तक जाते हैं तो जो लेंथ है, अगर कोई स्टेशन से स्कूल जाता है तो स्टेशन से पहले मुड़ करके काशीनाथ मोड़ आता है, काशीनाथ मोड़ कर से गया कॉलेज, गया कॉलेज से कड़िया मोड़, मेडिकल, एटी गेट, फिर स्कूल जाता है, तो बहुत रास्ता जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। या कोई नूतन नगर से आ रहा है तो अलग अलग डायरेक्शन से मुड़ते हुए आ रहा है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कोई और कॉलोनी से आ रहा है तो अलग अलग डायरेक्शन से मुड़ते हुए स्कूल जा रहा है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो हुआ, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जितना वो कवर करके जा रहा है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, जो एक्चुअल लेंथ है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और वो फिक्स डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग कई बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्ट्रेट नहीं है, तो डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल, कोई पर्सन ए से बी पर जाता है, फिर बी से सी पर जाता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ए से सी तक आने में एक डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर ए से सी तक हम इस तरह से आए, हाइपोटेनस का यूज करके आए, ए से सी तक आए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसका फिक्स डायरेक्शन है, ए से सी तक जा रहा है, फिक्स डायरेक्शन, तो ए सी यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्चुअल लेंथ हुआ ए बी प्लस बी सी, इसका जो डिस्टेंस हुआ टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी प्लस बी सी हुआ, वो डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ए सी, ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पॉइंट ए पॉइंट पर सर्कुलर मोशन कर रहा है और ए से मूव करता हुआ वापस ए पर गया, ए से स्टार्ट किया मोशन और वापस ए पर गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा सर्किल पर एक राउंड लगाया, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्किल का सर्कमफेरेंस के बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस, 2 पाई आर, ओके पल्लवी, 2 पाई आर हो जाएगा, ओके दीप सिखा, अगर रेडियस आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, पीयूष कुमार तनुजा, ओके, ए से स्टार्ट किया वापस ए पर ही आ गया, तो डिफरेंस बिटवीन
फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फाइनल और इनिशियल पॉइंट ए पर है, वापस ए पर ही आया, तो ये इसका डिफरेंस भी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अगर इसी पाथ पर वो वापस आ रहा है, ए पर ही आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्टेंस टू पाई आर है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल के शेप का ले, बी से सी पर जाता है, सी से डी पर जाता है, तो इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो जाएगा। या कोई सेमी सर्कल का डिस्टेंस कवर करता है, सेमी सर्कुलर डिस्टेंस कवर करता है, ये है, और ए से शुरू करके बी पर जाता है, सेमी सर्कुलर पाथ है, ए से बी पर जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस जो है वो सर्कमफेरेंस का हाफ हो जाएगा, टू पाई आर का हाफ, यानी कि पाई आर हो जाएगा। और लेकिन अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ए टू बी टू पाई आर में। ओके दीपशिखा, करेक्ट। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट है, वो डायमीटर है, और डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर का हाफ है, 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर। ओके पल्लवी, ए भी यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमेशा रहता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। और तीसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो। यहां पर तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर पूरा ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो। चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करें, अगर स्मॉलर माइनस लार्जर होता है, वैसे केस में निगेटिव होता है।